हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। पठान की अपार सफलता के बाद हर कोई शाहरुख खान की जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एटली के डायरेक्शन में बनी जवान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके चलते जवान की रिलीज डेट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीते साल जून के महीने में सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने अपकमिंग फिल्म जवान का टीजर रिलीज किया था। इसके बाद से हर कोई शाहरुख खान की जवान को लेकर हर कोई बेकरार है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि जवान की रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल मशहूर फिल्म क्रिटिक सुमित कडेल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। सुमित का ये पोस्ट शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर है। इस पोस्ट के जरिए सुमित कडेल ने ये जानकारी दी है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट को चेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही अब जवान आने वाली 2 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि जवान के मेकर्स की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, ना ही फिल्म की कोई नई रिलीज डेट को लेकर जानकारी मिली है। शाहरुख खान की जवान का इंतजार सबको है, ये लाजमी भी है क्योंकि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ पहली बार शाहरुख खान जवान में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस नयनतारा भी जवान में शाहरुख खान के साथ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाती हुई नजर आएंगे। वहीं जवान फिल्म के लिए अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शन आमिर खान भी एक्साइटेड हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पठान फिल्म शाहरुख खान की काफी लाजवाब थी, उसमें एक्शन देखने लायक था। वहीं आमिर खान ने आगे कहा कि मैं जवान फिल्म को देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शाहरुख खान हर कैरेक्टर में काफी फिट नजर आते हैं, जिसके लिए एक्साइटेड होना तो आम बात है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।